हाय गाइस, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ, और ज़्यादा मेरा मतलब सेहत नहीं सही हो रहा है, पता नहीं क्यों क्या हो गया है। सर्दी जुकाम नहीं जा रहा है, लेकिन मैं टाइप मतलब गर्दन पूरा दर्द कर रहा हूँ। तो गैस पता नहीं क्यों यहाँ का पानी नुकसान कर रहा है कि क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। मेरा गला दर्द कर रहा है, ये देखिए सही नहीं हो रहा है। और कल तो आँखों सब एकदम रेड हो गया था, सूज भी गया था। फिर कल, जैसे कि आप लोग को पता है, कल मैं गई थी मिर्ज़ापुर, तो वहाँ पे एक जनता मेडिकल मतलब बहुत फेमस है, बहुत पुराना है, वहाँ से ही हम लोग का दवा ववा होता था, तो हमको याद था। तो उसी जगह अस्पताल, जिला अस्पताल के बगल में है जनता मेडिकल, तो वहाँ से हम दवा लिए अपने आँख का और गले वले का, फिर भी नहीं सही हो रहा है। फिर आए, दवा ववा खाए हैं, एक खुराक और बचा है, खा ले रहे हैं। अगर करें कि ठीक हो जाए, नहीं ठीक होगा तो फिर चेक कराएंगे, तब लेंगे दवा। और उसके बाद देखिए, ठंड गर्मी में भी हमको ये कान ढकना पड़ रहा है, क्योंकि बोले हैं कि ज़्यादा कूलर और फैन का हवा मत लीजिए, आपको इन्फेक्शन कर रहा है। क्या करें, गर्मी इतना लग रहा है कि बिना लिए मतलब रह नहीं पाएंगे, इसलिए कान ढके हैं कि मतलब कुछ तो होगा भले और बाकी शरीर में लगे हवा, बट कान से कान में हवा ना लगे। और बताइए आप लोग, तो गए से जैसे कि आप लोग को बता चुकी हूँ कि मैं गई थी मिर्ज़ापुर, तो क्यों गई थी, तो जैसे कि हम आप लोग को पता है, मैं 5 साल से मिर्ज़ापुर एक मंथली में जाती थी, एक महीने में एक बार 2 बार मिर्ज़ापुर मेरा जाना आना होता था। तो फाइनली गए, कल ही हमारा झंझट वहाँ का ख़त्म हो चुका है, और बस अब बचा है अपने यहाँ का, जो कि सोनभद्र का, वो भी उसको तो हम नहीं चाहेंगे ख़त्म करना। और मिर्ज़ापुर का तो ख़त्म हो गया है, और जो भी कार्रवाई होगी तो उनको होगी, बट हमको जिस साहब बोले हैं कि मत आना आप, तो मिर्ज़ापुर से तो मेरा झंझट ख़त्म हो गया है। तो गैस यही सब है, फिर हम वहाँ से अपना काम करके हमने वेट किए उनका, बट वो आए नहीं। हम सुबह मतलब 9 बजे के गए, घर रूम पे पहुँचे हैं 6:30 बज रहा था। तो गैस हम 3:30 बजे तक उनका वेट किए, नहीं आए, तो फिर जो भी कार्रवाई होता है उनके ऊपर हो चुका है, और आगे का देखिए क्या होता है। और एक काम और मैं की थी, मैं हमारे बच्चों का ये लोग टीसी नहीं दे रहे हैं, तो जो कि अब ऐसा हो गया है सिस्टम नेट पे कि बिना टीसी का एडमिशन नहीं हो सकता, तो मेरे बच्चों का एडमिशन तो मान लीजिए हम करा दिए हैं, बट यहाँ नेट पे चढ़ नहीं रहा है बच्चों का नाम। तो गए थे हम अपना काम वहाँ का किए, वहाँ से फिर हम गए थे बच्चों के विद्यालय पे, बच्चों के विद्यालय पे गए तो प्रिंसिपल से मिले, प्रिंसिपल का नंबर हमको तो मिला था, बट वो नंबर अपना चेंज मतलब कुछ भी कर दिए हैं, हमको नहीं जानकारी है क्या किए हैं, बट इतना जानकारी कुछ किए हैं। तब हम जब जब फ़ोन लगाते स्विच ऑफ बताते, तो हमसे बहाना कर रहे थे, कह रहे थे कि हाँ स्कूल पे नहीं पकड़ता। हम कहें सर सुबह में भी लगाते हैं स्विच ऑफ बताता है, जब लगाती हूँ तब स्विच ऑफ बताता है, तो बताइए जितना भी फीस वगैरह हो तो बताइए हम आ रहे हैं देंगे। तो कहें कि फीस तो सब जमा है। हम कहें अच्छा, तब हम कहें कि कब देंगे, तो कहें कि प्रिंसिपल नहीं है। कहें ठीक है हम कल आते हैं। तो गए आज के लिए हम मतलब बोले थे उनसे कि आज हम आएंगे आपके विद्यालय पे, तो कहे कि नहीं आज नहीं, आप आओ मतलब कल मत आना, कल नहीं रहेंगे मतलब प्रिंसिपल, फिर आना कभी आप। हम कहें ठीक है हम कल जाएंगे, तब आज नहीं कहे कल जाएंगे। कल जाते हैं, देखते हैं, अगर मतलब हमारे बच्चों का टीसी देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो सीधे हम DM ऑफिस कार्रवाई करूँगी, और वहाँ से देंगे, क्योंकि बच्चों का भविष्य का सवाल है, उसमें किसी का अधिकार नहीं होता। बच्चे जहाँ पढ़ेंगे बस वही, तो हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं तो हम अपना ले आएंगे टीसी उसे। तो आप लोग प्रार्थना करिएगा कि मैं जो भी काम कर रही हूँ मेरा काम पूरा हो जाए। तो गाइस देखते हैं कल या परसों में फिर जाएंगे, तो देखते हैं
अब की बार क्या बोलते हैं, फिर आगे काम करूँगी हम। तो बने रहिएगा आप लोग मेरे ब्लॉग में। ओके, बाय बाय राधे राधे। मैं इसी पे वीडियो एंड कर रही हूँ। बाय बाय आप सभी लोगों को, बनना चाहिए मेरी तरफ से।